क्वेश्चन नंबर 25। देखो एक आयत बना है, ठीक है, इसमें निकालना का एक मान है एक्स, एक्स का मान रेंट में, ओ आर की वैल्यू दी है क्वेश्चन ने जो दिया है 2x + 4 ओ से आर, और दिया ओ टी 3x + 1। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर है। और आयत का जो विकर्ण, ये आयत है, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। तो आमने सामने जब भुजाएं हैं तो विकर्ण आपस में क्या करेंगे, समान भागों में समद्विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ से कटा ना, तो जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना ही यहाँ से यहाँ भी होगा, ठीक है। तो चूंकि लिख देना आयत के विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, अजित होते हैं, इसलिए ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ टी, ठीक है। तो चलो रखो, ओ आर का मान क्या है, 2x + 4 बराबर 3x + 1। बुला लो इधर x को, ठीक है, या कि हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर दे, इसको उधर ले चलते, ठीक है। 4 - 1 4 है, भाई 1 इधर चला है, ठीक है, और 3x ये उधर चला गया, तो -2 चल जाएगा क्या, उतना ही है, चाहे इधर ले आओ चाहे उधर ले जाओ। तो 4 में 1 = 3 और 3x में 2x चले गए, तो x बचा, अब हम इसको सीधा कर लेंगे, x = 3। ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप देखो ऐसे ही कर लेना, ओ आर बराबर ओ टी, तो 2x + 4 3x + 1, तो मान लो इसको इधर लाए, 2x और माइनस होगा 3x, आ गया समझ में, 1 ये प्लस गया तो उधर माइनस हो गया, तो 3 में जब 2 घटाओगे तो -x आएगा ना, बड़ी संख्या ना, और ये माइनस आएगी तो दोनों कट जाएंगे, 3x = 3। कौन सा वाला आपको पसंद है, दोनों भाई ठीक, दोनों ठीक है ना, एक तो तीसरा भी है, तीसरा वैसे है, मान लो अगर तीसरा करना है तो फिर ओ टी बराबर क्या लिखोगे, ओ आर, ओ टी पहले लिख दोगे फिर ओ आर बाद में, तो ओ टी कितना है, ओ टी है 3x + 1 और ओ आर कितना है 2x + 4। अब कैसे जानोगे इनको कैसे लिखें, तो जो जिसका ये x वाला बड़ा होगा उसको पहले लिख देना, तो ओ टी का पहले था, बड़ा था ना, पहले लिख दिए और उसको बाद में, तो 3x उसको बुला लो इधर, 2x प्लस में था तो माइनस हुआ, अब 4 ये प्लस में था तो उधर चला गया, तो 3 में 2 गए तो x और 4 में गया तो 3। देखो कौन सा सही आंसर, जो आपको पसंद हो वो कर लीजिए।